नियम 267 के तहत मैंने भी नोटिस दिया था। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है, बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। यह सच पूरे देश को जानना चाहिए, जो चीन हमारा दुश्मन देश है, हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर रहा है, उसको आप तोप खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए व्यापार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। क्या इन मुद्दों पर सदन में जवाब नहीं देना चाहिए मोदी जी को? क्या इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारे वीर जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सीमा की सुरक्षा की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत की सीमा की रक्षा की। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? उसी दुश्मन देश चीन को, वहां की डोंग फांग ब्लैक लिस्टेड कंपनी को स्मार्ट मीटर का ठेका दे रहे हैं कश्मीर में कि हमारे कश्मीरी भाइयों का डेटा इकट्ठा करो। 43,000 करोड़ का धलोरा में गुजरात के अंदर एमयू साइन कर रहे हैं। तमाम ब्लैक लिस्टेड चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में चंदा लिया है उन्होंने। तो इन सारे विषयों पे मोदी जी को सदन में आके जवाब देना होगा। और 267 का नोटिस एक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर दिया गया था और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको खारिज कर दिया गया। नियम 267 के तहत मैंने भी नोटिस दिया था। मेरा सवाल यह है कि मोदी जी की सरकार चीन पर चर्चा से क्यों भाग रही है? क्या असलियत है जो वो छुपाना चाहते हैं? डोकलाम हुआ, गलवान हुआ, अब तवांग। और बीजेपी के एक सांसद ने लोकसभा में ये बात कही है कि चीन घुसपैठ कर रहा है, बावजूद इसके आप चर्चा से भागते हैं क्यों? क्योंकि आपने 12 लाख करोड़ रुपए का व्यापार 2 साल में दिया है चीन को। यह सच पूरे देश को जानना चाहिए, जो चीन हमारा दुश्मन देश है, हमारे देश के अंदर घुसपैठ कर रहा है, उसको आप तोप खरीदने के लिए, मिसाइल खरीदने के लिए, हथियार खरीदने के लिए व्यापार दे रहे हो, पैसा दे रहे हो। क्या इन मुद्दों पर सदन में जवाब नहीं देना चाहिए मोदी जी को? क्या इस गंभीर विषय पर सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए? भारत की सीमा की सुरक्षा करने के लिए हमारे वीर जवानों ने, हमारे सेना के जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर भारत की सीमा की सुरक्षा की, अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भारत की सीमा की रक्षा की। और मोदी जी क्या कर रहे हैं? उसी दुश्मन देश चीन को, वहां की डोंग फांग ब्लैक लिस्टेड कंपनी को स्मार्ट मीटर का ठेका दे रहे हैं कश्मीर में कि हमारे कश्मीरी भाइयों का डेटा इकट्ठा करो। 43,000 करोड़ का धलोरा में गुजरात के अंदर एमयू साइन कर रहे हैं। तमाम ब्लैक लिस्टेड चीन की कंपनियों से पीएम केयर्स फंड में चंदा लिया है उन्होंने। तो इन सारे विषयों पे मोदी जी को सदन में आके जवाब देना होगा। और 267 का नोटिस एक राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर, सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर दिया गया था और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उसको खारिज कर दिया गया।